कांग्रेस राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 18 अक्टूबर को जारी कर सकती है। प्रत्याशियों की लिस्ट से पहले कांग्रेस ने एक सर्वे भी करवाया था, जिसमें कांग्रेस ने प्राइवेट एजेंसी और पदाधिकारियों से राजस्थान के अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर सर्वे करवाया था, और सर्वे के जो नतीजे थे काफ़ी चौंकाने वाले थे। हालांकि 18 अक्टूबर को देर रात तक जो प्रत्याशियों की पहली लिस्ट है वो कांग्रेस जारी कर सकती है, और इसको लेकर दिल्ली में जो बैठकों का दौर है वो लगातार भी जारी है। लेकिन उस सर्वे रिपोर्ट की बात करेंगे जो कांग्रेस ने राजस्थान में करवाया। इस सर्वे रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले जो मामले हैं वो भी सामने आए थे। सर्वे रिपोर्ट की माने तो राजस्थान के जो मौजूदा 50 विधायक हैं उनके टिकटों पर तलवार लटक गई, और इन 50 विधायकों के टिकट कटना तय माने जा रहे थे। सीएम अशोक गहलोत भी इस बात को लेकर स्वीकार कर चुके हैं कि राजस्थान में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि कुछ विधायकों का विरोध हो रहा है। लेकिन अब जो कांग्रेस है इस सर्वे रिपोर्ट के विपरीत टिकट वितरण कर सकती है, यानी कांग्रेस के मौजूदा सभी विधायकों को एक बार फिर से मैदान में कांग्रेस उतार सकती है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता विरोध में उतर गए थे, और जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था उनका विरोध विधानसभा क्षेत्र में होने लगा था, और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां कर्नल राज्यवर्धन सिंह का जो विरोध है उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के विरोध को रोकने के लिए जो कांग्रेस है अपने मौजूदा विधायकों को रिपीट कर सकती है। माना यह भी जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत अपने उन विधायकों का टिकट नहीं कटने देंगे जिन्होंने संकट के समय सरकार बचाई, जबकि इसके विपरीत पायलट भी अपने समर्थित विधायकों के समर्थन में खड़े हो सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि अगर गहलोत और पायलट समर्थित विधायकों का फिर से एक बार टिकट दिया जाता है तो पार्टी में विरोध के स्वर भी नहीं उठेंगे, और अगर विरोध के स्वर उठते हैं तो कांग्रेस पार्टी में गहलोत और पायलट का कद काफ़ी ऊंचा है। तो ऐसे में ये दोनों दिग्गज नेता कांग्रेस में इस स्थिति को संभाल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए उन सीटों पर प्रत्याशियों का चयन काफ़ी मुश्किल हो सकता है जहां अब मौजूदा विधायक चुनाव नहीं लड़ना चाहते, यानी जिन विधायकों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है उन सीटों पर कांग्रेस किस तरह से अपने प्रत्याशी उतारेगी ये अब देखने वाली बात हो सकती है। तो नगरी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।